तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आज आपका संडे स्पेशल में हम लोग डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम का जीके जिसके क्वेश्चन को यहाँ पर आपका देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो केवल आप लोगों को रिवीजन के तौर पर लेना है और देखना है कि आप इस वक्त कितना तैयार हो जीके जीएस में, ठीक है। और चाहो तो आप लोग लास्ट में मुझे अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ अ फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ नीदर एन इंटरनेशनल बाउंड्री नोर अ कोस्ट लाइन। निम्नलिखित राज्यों में किसमें ना तो तटीय रेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास ना तो कोई तट रेखा है और ना ही वो किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, अलकनंदा एंड पिंडाकी रिवर कन्फ्लुएंस एट विच प्लेस। तो अलकनंदा और पिंडाकी नदियों के संगम किस स्थान पर होता है, बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा और पिंडाकी रिवर पूछा है, तो अलकनंदा और पिंडाकी रिवर का कन्फ्लुएंस किस प्लेस पर होते हैं, तो करण प्रयाग में होते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर टोटल आपको 5 पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करेंगे विष्णु प्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और ढौली गंगा के संगम को कहते हैं विष्णु प्रयाग। नंदा प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकी रिवर के कन्फ्लुएंस को कहते हैं नंदा प्रयाग। रुद्रप्रयाग किसको कहते हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के कन्फ्लुएंस को कहते हैं रुद्रप्रयाग। और लास्ट आपका बच गया देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज अ नॉट अ टैक्स लैब फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के तहत कर संग्रह के लिए उनमें से कौन सा एक टैक्स लैब नहीं है, बताओ। तो टोटल आपके 5 आपके टैक्स लैब रखे गए हैं, कितने कितने के, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25% का कोई भी टैक्स लैब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर, तो राज्य लोक सेवा आयोग डैश है, बताओ किस टाइप की ये बॉडी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग एक आपका संवैधानिक निकाय है, यानी एक आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ अ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, बताओ। तो अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ रेसलर, तो निम्न में से किस शहर को पहलवानों का शहर कहा जाता है, चलो बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो ही स्टेट में सबसे ज्यादा रेसलर आपको देखने मिलेंगे, एक तो आपका महाराष्ट्र हो गया और दूसरा हो गया हरियाणा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर, सिटी ऑफ रेसलर कहते हैं कोल्हापुर को, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मगर अभी करेंट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेसलर अभी आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और मुझे कोल्हापुर से एक क्वेश्चन याद आ रहा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2019 में कोल्हापुर चप्पल को जीआई टैग मिला था, ठीक है, मतलब आपका कोल्हापुर चप्पल को भौगोलिक संकेतक मिला था। एक ही चीज के लिए दो राज्य को आपका भौगोलिक संकेतक मिला था, एक तो आपका महाराष्ट्र था जहाँ की आपको कोल्हापुर चप्पल आपका जीआई टैग मिला था, दूसरा राज्य आप मुझे कमेंट करके बताओ कि और दूसरा स्टेट कौन सा था जिसको सेम चीज के लिए जीआई टैग मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, बताओ। तो ये आपका जे जे थॉम्सन ने दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। तो ये आपका एक बंगाली न्यूज़पेपर था जो कि आपका ईश्वर चंद विद्यासागर ने आपका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वन, द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट विच टू प्लेस, तो करतारपुर कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है, चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले तो करतारपुर कॉरिडोर को हम लोग रोड टू पीस भी कहते हैं, रोड टू पीस, ये आपका करतारपुर और गुरदासपुर को जोड़ता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करतारपुर में आपका एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये गुरदासपुर जिले में जो भारत में है, डेरा बाबा नामक साहब का एक पवित्र स्थान है, वो दोनों को जोड़ता है करतारपुर कॉरिडोर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पर आपसे पूछा, विच पास पासिस थ्रू अ चुंबी वैली, तो चुंबी घाटी से कौन सा दर्रा गुजरता है, बताओ। तो ये आपका जिलेपला दर्रा गुजरता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, हु सेट अप हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता विच लेटर बिकम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855, तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की जो कि 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया।
तो ये आपका राजा राम मोहन रॉय ने आपका स्थापना किया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ अ फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ एन एंजाइम, तो निम्नलिखित में कौन एंजाइम की प्रकृति को निर्धारित करता है बताओ। तो ये मैंने आपको साइंस वाले वीडियो में बताया था अगर आपको याद हो तो, कि सारे जो भी एंजाइम होते हैं वो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द कैश इंसेंटिव अवार्ड इन डैश लाख, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में नगद प्रोत्साहन 10 लाख रुपए का दिया जाता है, तो कितने लाख का प्राइज मनी होता है बताओ। तो ये होता है आपका 7.5 लाख का प्राइज मनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मैं आपसे पूछता हूं 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन दो लोगों को मिला था मुझे बताओ आप। तो चलिए, एक आपका बजरंग पुनिया को मिला था जो कि आपका एक रेसलर थे, और दूसरा मिला था दीपक मलिक को जो कि आपका एक पैरा एथलीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ अ फॉलोइंग फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर 2020, तो निम्नलिखित में किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है ऑस्कर 2020, ठीक है, हो सकता है तो आपसे पूछा जाए कि 2019 में ऑस्कर किसको मिला था, किस फिल्म को मिला था। तो 2020 के लिए आपका पैरासाइट मूवी को मिला है, और 2019 में मिला था ग्रीन बुक को, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट, तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी किस जगह पर स्थित है। तो ये आपका एमपी के इंदौर शहर में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 वाज लॉन्च्ड बाय, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 में किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, मतलब किस मिनिस्ट्री के ये अंदर आता है मुझे ये बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और करंट में भी मिनिस्टर कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच रिटर्न टू अर्थ ऑन फरवरी 6, 2020 आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मेनी डे एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितने दिन बिताने के बाद 6 फरवरी 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटी है बताओ। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर केवल आपसे ये पूछा है कि वो कितने दिन बिताई है आईएसएस पे, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो ये 328 दिन बिताने के बाद आपका वापस लौटी है पृथ्वी पर। आपको पता होना चाहिए इन्होंने एक किसी जन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, आप मुझे बताओ कमेंट कर कर आपको पता है तो किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ अ फॉलोइंग ग्रुप हैज अ हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो निम्नलिखित में किस समूह में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन संबंध है बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलोजन ग्रुप, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फरवरी 6, 2020 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेपोरोजी टू, तो 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग अनुमूलन के प्रयासों के लिए रामनाथ कोविंद ने किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था बताओ। तो डॉक्टर एन एस धर्मासक्तु को आपका दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन का आविष्कार किसने किया था बताओ। तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म, तो सीटी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, तो इसका आविष्कार किसने किया था, सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन इज कॉल्ड, तो मानव शरीर का एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ा नहीं है उसे क्या कहा जाता है बताओ। तो उसे कंठिका कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हायोइड, ठीक है, जो कि आपके जीभ के नीचे में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराइजी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई, तो फराइजी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका हाजी सरीतुल्ला के द्वारा आपका स्थापित किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है बराकर केव आर एंशियंट केव हैविंग अशोकन इनक्रिप्शन आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बराकर गुफाएं अशोक शिलालेखों वाली प्राचीन गुफाएं है, ये किस राज्य में स्थित है बताओ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो अशोका आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा।
तो ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या है बताओ? तो ये कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, बिम्स्टेक का वहाँ पर आपसे पूछा था फॉर्मेशन ईयर पूछा था, यहाँ पर आपसे केवल फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बिम्स्टेक का फॉर्मेशन ईयर कब है? 1997 है, ठीक है, और टोटल 7 देश मेंबर है जिसमें अपना भारत भी इसका मेंबर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, क्लियर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश का ढाका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 वॉज ऑर्गेनाइज इन डैश फ्रॉम 7 to 9 फरवरी 2020। तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का आयोजन 7 से जो 9 फरवरी किया गया था वो कौन से जगह में आपका किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग मुझे बताओ आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए, और इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।